हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी में। मैं शिवम कुमार आज आपके लिए एक नई राग लेके आया हूँ। राग बागेश्वरी बहुत ही जनप्रिय राग है, बहुत ही पॉपुलर राग है और राग बागेश्वरी माँ सरस्वती का नाम है बागेश्वरी। तो ये राग काफ़ी थाट से जनित है, इसका थाट काफ़ी है। तो इसका आइए पूर्ण परिचय देखते हैं, पार्ट वन राग बागेश्वरी। तो इसका थाट है काफ़ी, इससे पहले जो राग मैंने बताई थी आपको वो भैरवी थाट से थी राग मालकोश। तो इसका थाट है काफ़ी राग बागेश्वरी। इसका गायन समय है रात्रि का द्वितीय पहर। इसका वादी है मा यानी मध्यम, संवादी है सड़ज यानी सा। जाति इसकी है औडव संपूर्ण, उसकी थी औडव, इसकी है औडव संपूर्ण। इसके न्यास के स्वर हैं जिसमें न्यास करना है सा मा और धा। इसमें स्वरों की मैं आपको बता दूं, काफी थाट है तो इसमें गा और नी विकृत यूज हुए हैं यानी कोमल प्रयोग हुए हैं। और इसका द्वितीय पहर है गायन का रात्रि का। इसकी जाति औडव संपूर्ण है, न्यास के स्वर सा मा और धा है। इसकी जाति औडव संपूर्ण यानी कि आरोह में इसके पांच स्वर लगेंगे और अवरोह में संपूर्ण जाति है। और आरोह में इसके रे और पा वर्जित है। आरोह में रे और पा वर्ज है यानी वर्जित है, रे और पा वर्जित है। आरोह में अवरोह में संपूर्ण है, अवरोह में संपूर्ण जाति है। और अवरोह में पा वक्र यूज हुआ है, मा पा धा गा इस तरह से, मा पा धा गा इस तरह से यूज हुआ है। तो इसका और इसकी संप्रकृति राग राग भीमपलासी है, जो वो भी काफ़ी थाट से जने थे। राग भीमपलासी इसकी संप्रकृति राग है और इसमें बड़ा ख्याल, ध्रुपद, तराना ये सब गाया बजाया जाता है, छोटा ख्याल ये सब गाया बजाया जाता है, ठुमरी राग नहीं है ये। और इसकी चलन गंभीर है और तीनों सप्तक में चलन है इसका। तो इसका आरोह देखते हैं। आरोह इसका है नीसा, नी कोमल है, मंत्र से शुरू होगा नीसा गामा धा नी सा, नी कोमल है गा कोमल है, नीसा गामा धा नीसा। अब अवरोह जो है इसका सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। तो सा नी धा मा पा धा मा मा पा धा गा मा रे सा। तो इसका पा जो है वो वक्र प्रयोग होता है यानी टेढ़ा। इसकी पकड़ है धा मंत्र का धानी मंत्र की है, सामा फिर धानी धामा मापा धा गा मारेसा। यहाँ कौमा है, यहाँ को मापा धा गा मारेसा, तो ये इसकी पकड़ हुई। तो आइए शुरू से देखते हैं राग बागेश्वरी। थाट काफ़ी, गानी कोमल है, गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर यानी दूसरा पहर है। वादी स्वर मध्यम, संवादी षड्ज, अजाति औडव संपूर्ण है यानी आरोह में पांच स्वर है और आरोह में रे और पा वर्जित है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग होते हैं पर पा वक्र प्रयोग होता है यानी टेढ़ा। न्यास के स्वर सा मा धा, संप्रकृति राग भीमपलासी है और इसमें गंभीर प्रकृति का राग है। तीनों सप्तकों में चलन है इसका और इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, तराना गाया जाता है। और आरोह इसका नीसा गामा धानी सा, अवरोह सानी धामा मापा धा गा मा रेसा। और पकड़ धानी सामा, पकड़ है कौमा धानी धामा मापा धा गा मा रेसा। तो ये इसकी पकड़ है। तो ये इसका पूर्ण विवरण हुआ और इसे आप देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगला वीडियो पार्ट टू इसकी बंदिश की स्वरलिपि मैं आपको बताऊँगा, कौन करत तोरी विनती पियरवा, बहुत ही पॉपुलर बंदिश है। तो कीप वॉचिंग, शेयर इट, थैंक यू एंड लव यू। So please watch it this video and don't forget to subscribe it, like it and share it. And if there is any comment, so please comment on my comment box. And I hope you will like it.